रिक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। रिक्सिया जो है वो ब्रायोफाइटा में आता है। ब्रायोफाइटा में जितने भी एल्गी आता है उसका प्लांट बॉडी थैलोइड होता है, ठीक है। प्लांट बॉडी जो है ऐसे थैलोइड होगा, ये एल्गी से थोड़ा डेवलप है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये कैसे जगह में पाया जाता है? डैम्प और मॉइस्ट एनवायरमेंट, मतलब जो भीगे हुए सॉयल रहता है, भीगे हुए लकड़ी, लकड़ी के छिलका, ये सब, और सेडी प्लेस में। सेडी मतलब छायादार स्थानों में पाया जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा किस जगह में पाया जाता है? डैम प्लेस, मॉइस्ट प्लेस, जहाँ की भीगा हुआ गीला जगह रहता है वहां पाया जाएगा। और सेडी प्लेसेस, छायादार, जहाँ धूप ज्यादा ना आता हो उस जगह में ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डेवलप जरूर है लेकिन इसमें वास्कुलर टिश्यू नहीं बनता, वास्कुलर टिश्यू नहीं बनता। थैलॉयड होता है, इसका मतलब है रूट, स्टेम एंड लीप में डिफरेंशिएट नहीं होता प्लांट्स, और वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता। वास्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है? जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, ये सब इसमें एब्सेंट रहता है। इस ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। एम्फीबियंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि गीले सॉयल में उगता है और इसके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जरूरी होता है, ठीक है। सॉयल प्लांट्स उगता है गीले सॉयल में लेकिन रिप्रोडक्शन में वाटर जरूरी है, दोनों जरूरी है, इसलिए इस प्लांट्स को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और मोस्ट स्पेसीज, ज्यादातर रिक्सिया का स्पेसीज जो है वो टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब सॉयल में ग्रो करने वाले स्पेसीज ही ज्यादातर रिक्सिया में पाया जाता है। कुछ स्पेसीज रिक्सिया का एम्फीबियंस होता है। रिक्सिया में 200 स्पेसीज पाया जाता है। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में ज्यादातर रिक्सिया ग्रो करता है, और जिस जगह में ग्रो करता है इस टाइप का, इसको बोलते हैं रोजेट लाइक स्ट्रक्चर। उस जगह में पूरे फूल जैसा चारों तरफ इस टाइप के थैलोइड स्ट्रक्चर एक जगह पाया जाता है, ठीक है। थोड़े से थैलस को देखेंगे हम लोग, तो थैलस ऐसा होता है। थैलस का प्लांट बॉडी जो है वो डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल मतलब ऊपर का भाग, ये डोर्सल साइड है ऊपर का, ऊपर का भाग प्लेन होता है स्मूथ, और नीचे का भाग जो है वो वेंट्रल साइड जो है उसमें राइजोइड्स पाया जाता है, वो अलग। डोर्सल साइड अलग, वेंट्रल साइड अलग, इसलिए इसको बोला जाता है डोर्सी वेंट्रल, ठीक है। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मतलब सॉयल में ग्रो करने वाला, सॉयल में चिपका हुआ ये थैलस पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोस्टेट। और डायकोटोमसली ब्रांच, डायकोटोमसली मतलब जिस जगह में थैलस शुरू हुआ है वो दो भागों में, एक ही जगह से दो भागों में बट गया, इसको हम बोलेंगे डायकोटोमसली ब्रांच। और थैलस में इस टाइप का प्लेन स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे मिड रिब। थैलस के बीच में इस टाइप से मिड रिब प्रेजेंट, ठीक है। और छोटे छोटे गड्ढे टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया रहता है, ठीक है। इस गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर में एंथ्रिडिया आर्किगोनिया पाया जाता है। और ये है डोर्सल सर्फेस। डोर्सल सर्फेस में क्या होता है? थैलस जो है स्मूथ, प्रोस्टेट, डायकोटोमसली ब्रांच और मिडरी प्रेजेंट। इसी को वेंट्रल साइड में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। जब थैलस के नीचे के साइड्स को देखा जाता है तो राइजोइड्स पाया जाता है, नीचे के साइड्स में राइजोइड्स का एक रो, जहां मिडरिप दिखेगा इसमें, उस मिडरिप के नीचे के भाग से राइजोइड्स निकलता है, ठीक है। ऐसे राइजोइड्स निकलेगा और राइजोइड्स में स्केल भी पाया जाता है, राइजोइड्स एंड स्केल इसमें प्रेजेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे स्केल कैसा होता है। स्केल जो रहता है वो मल्टी सेलुलर, स्केल मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल का बना हुआ स्केल रहता है, वो ज्यादातर वायलेट कलर का होता है, ठीक है। अब इस थैलस का हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी था, अब एनाटोमिकल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, एनाटोमिकल स्ट्रक्चर। जब इस थैलस को सेक्शन करेंगे तो इस टाइप का थैलस का सेक्शन दिखेगा। ऊपर का भाग जो है दो भागों में बटा दिखता है, ये ऊपर के भागों को बोलेंगे हम फोटोसिंथेटिक रीजन, नीचे के भागों को बोलेंगे स्टोरेज रीजन। क्योंकि ऊपर के भाग में जितना थैलस जो है डार्क ग्रीन कलर का होता है और क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है, ठीक है। क्लोरोफिल भरा रहता है तो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है फोटोसिंथेटिक रीजन। और नीचे का भाग थोड़ा लाइट ग्रीन होता है, इसमें इसको बोलेंगे स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेसिस से जो भी फूड मटेरियल बनाते हैं वो इस भाग में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और स्टोरेज रीजन में ज्यादातर स्टार्च ग्रेन पाया जाता है, और नीचे राइजोइड्स एंड स्केल है। अब इसको अच्छे से जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे काटने के बाद तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे ऊपर का भाग जो फोटोसिंथेटिक रीजन है
उसमें जितने भी सेल हैं, इसको हम बोलेंगे, ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, क्योंकि हर फिलामेंट में बहुत सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इस फिलामेंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट बोलते हैं। और इस फोटोसिंथेटिक रीजन में क्लोरोफिल से फूड मटेरियल, फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाएगा और इसमें स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो इस फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के साइड साइड में बहुत सारे खाली स्पेस पाया जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एयर चेम्बर। एयर चेम्बर पाया जाता है इस फिलामेंट के बीच बीच में, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना, मतलब गैसियस एक्सचेंज। इस खाली स्पेस का काम होता है गैसियस एक्सचेंज। सबसे ऊपर हर फिलामेंट के ऊपर का सेल बड़ा होता है और कलरलेस होता है, हाईलाइन होता है, पारदर्शी, कलरलेस, बड़ा और पारदर्शी ऊपर के फिलामेंट का ऊपर का सेल। बाकी सब में क्लोरोफिल भरा रहता है, ऊपर वाला बिना क्लोरोफिल वाला रहता है। इसको हम बोलेंगे एपिडर्मल सेल। सब जितने भी फिलामेंट है उसके ऊपर के सेल को हम बोलेंगे एपिडर्मल सेल। उसके बाद जितने भी फिलामेंट है इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाएगा और बीच में एयर स्पेसेस पाया जाता है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और नीचे का भाग जो है उसको हम बोलेंगे स्टोरेज रीजन। इसमें स्टार्च ग्रेन्स पाया जाता है, मतलब फूड स्टोर करके जो रखते हैं वो स्टार्च के रूप में रखते हैं, इसलिए स्टार्च ग्रेन भरा रहता है। पेरेन्काइमाटस सेल्स होता है, पेरेन्काइमाटस सेल, ठीक है। अब लोअर एपिडर्मिस, ये जो लोअर, ये अपर एपिडर्मल सेल हो गया, ये लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस में स्केल्स एंड राइजोइड्स पाया जाता है, वो यूनी लेयर होता है, एक लेयर का बना होता है और इसमें स्केल्स एंड राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। जब रिक्सिया में रिप्रोडक्शन देखते हैं तो टू टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कई टाइप्स का होता है। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब इसके थैलस में कोई भी भाग सड़ जाता है या खराब हो जाता है, खराब होते होते जब ग्रोइंग पॉइंट में पहुंचता है, ठीक है। कोई भी थैलस का भाग खराब हो गया, खराब होते होते ग्रोइंग पॉइंट में ये आधा हो जाता है, कोई भी पार्ट इसका टूट जाता है और नया पार्ट जो है नया थैलस बनाएगा, उसको हम बोलेंगे ब्राई फ्रेगमेंटेशन। और डेथ ऑन डीके इन द प्रोग्रेसिव पार्ट, कोई भी पार्ट का डेथ ऑन डीके से वो जब भी ग्रोइंग पॉइंट में पहुंचेगा वो नया फिलामेंट बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेस। इसके इसमें ये में ब्रायोफाइटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेस, कई थैलस में ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे आउटर पार्ट में या वेंट्रल सरफेस में, मतलब नीचे की सरफेस में छोटे छोटे थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है, ठीक है। उस थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मेन थैलस से अलग हो जाता है और नया थैलस बनाएंगे, इस थैलस को बोला जाता है एडवेंटिटियस ब्रांचेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय एडवेंटिटियस ब्रांचेस, ये छोटा छोटा जो थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो अलग होने से नया थैलस बनता है। थर्ड है बाय पर्सिस्टेंट एपिक्स। पर्सिस्टेंट एपिक्स मतलब क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब प्रतिकूल वातावरण में क्या होता है, थैलस का कुछ ग्रोइंग पार्ट, ग्रोइंग पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, थैलस का एक ग्रोइंग पार्ट जो है वो मिट्टी के नीचे दब जाता है, ठीक है, सॉयल के नीचे दब जाता है और बहुत मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन मतलब हो सकता है लाइट ज्यादा या टेम्परेचर ज्यादा या मॉइस्ट ज्यादा, तो पूरा खराब हो जाता है थैलस, लेकिन उसका जो ग्रोइंग पार्ट है वो मिट्टी के नीचे दब के वो मोटा हो जाता है और वो जिंदा रहता है, ठीक है। बाद में उससे नया थैलस बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बाई पर्सिस्टेंट एपिक्स, ठीक है। अब है बाई ट्यूबर्स। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि थैलस के ऊपर छोटे छोटे ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये जो ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो थैलस से अलग हो जाता है और उससे नया थैलस बन जाता है, उसको हम बोलेंगे बाई ट्यूबर्स, ठीक है। और एक है बाई राइजोइड्स। थैलस के नीचे का जो राइजोइड्स होता है वो भी कई बार छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वो छोटा छोटा टुकड़ा नया थैलस बना जाता है, ठीक है। इस टाइप से पांच टाइप का वेजिटेरियन रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेस, बाई पर्सिस्टेंट एपिक्स, बाई ट्यूबर्स एंड बाई राइजोइड्स, ठीक है। ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया। अब है रिक्सिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
रिक्सियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऊ गैमस टाइप होता है। ऊ गैमस मतलब मेल ऑर्गेन एंथ्रेडिया बनेगा और फीमेल ऑर्गेन बनेगा आर्किगोनिया। ठीक है, तो एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया इसमें कैसे बनता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैलस में छोटे छोटे गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर दिखा था हम लोग, थैलस को जब देख रहे थे छोटे छोटे गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी में एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया पाया जाता है, उसी को बोला जाता है एंथ्रेडियल चेम्बर। जैसे एंथ्रेडियल चेम्बर के अंदर एंथ्रेडिया है, आर्किगोनियल चेम्बर के अंदर आर्किगोनिया है, ऐसे ऊपर से गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा लेकिन उसके अंदर एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडिया। कोई भी एक सेल थैलस के जो गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके कोई भी एक सेल अचानक एक्टिव होके डिवीजन करना चालू कर देते हैं। ठीक है, उस सेल को हम बोलेंगे एंथ्रेडियल इनिशियल सेल। अब उस एंथ्रेडियल इनिशियल सेल जो है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। एंथ्रेडियल इनिशियल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन होके दो सेल बनेगा, एक आउटर सेल और नीचे है बेसल सेल। ठीक है, इस एंथ्रेडियल इनिशियल में दो डिवीजन हो, एक डिवीजन हो रहा है, दो सेल बन रहा है, एक एंथ्रेडियल आउटर सेल दूसरा बेसल सेल। अब आउटर सेल एंड बेसल सेल के साइड के जो फिलामेंट है, ये साइड के जो पैरेन्काइमाटस सेल्स है वो इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेंटर सेल। नीचे के जो सेल होता है उसको हम बोलेंगे वेंटर सेल। वेंटर सेल इसको चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद इसमें और डिवीजन होता रहता है, बहुत सारे एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और ऐसे बनेगा, बहुत सारे सेल बनेंगे एक सेल से। ठीक है, जब ऊपर के दोनों सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल, नीचे को दो सेल को बोलेंगे प्राइमरी स्टॉक सेल, फिर उसमें और डिवीजन होगा। डिवीजन होके क्या बनता है, नीचे एंड्रोगोनियल सेल्स, बहुत सारे सेल में बट जाएगा इसके अंदर, इसको बोलेंगे एंड्रोगोनियल सेल। ठीक है, एंड्रोगोनियल सेल में माइटोटिक डिवीजन से एंड्रोसाइट मदर सेल, एंड्रोसाइट मदर सेल फिर बहुत सारे डिवीजन करके एंथ्रीजॉइड्स बनाएगा। ठीक है, इसके अंदर के जो सेल्स है बहुत सारे डिवीजन करके एंड्रोगोनियल सेल, फिर एंड्रोसाइट मदर सेल, फिर एंथ्रीजॉइड्स, और नीचे का भाग जो है वो स्टॉक बनता है और वन लेयर जैकेट रहता है। ठीक है, प्राइमरी स्टॉक सेल से स्टॉक बना, एंथ्रेडियल सेल से ये सब अंदर का भाग बनता है, एक जैकेट लेयर, एंथ्रेडियल चेम्बर रहता है जिसके अंदर एंथ्रेडियम पाया जाता है इस टाइप से। इसके बाद जो एंथ्रीजॉइड्स इसके अंदर बनता है वो ऐसे होता है, कॉयल से एंथ्रीजॉइड्स रहता है, इसमें दो फ्लैजेला पाया जाता है, कॉयल लाइक स्ट्रक्चर एंथ्रीजॉइड्स और दो फ्लैजेला। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लियर बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स बनता है। हो गया, अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। ठीक है, आर्किगोनिया के डेवलपमेंट को देखेंगे तो इसमें भी ऐसा ही है, जो गड्ढी लाइक स्ट्रक्चर थैलस में रहता है उसमें कुछ एंथ्रेडिया कुछ आर्किगोनिया बनता है, जिसमें आर्किगोनिया बनेगा उसके एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना चालू कर देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे सुपरफिशियल सेल। ठीक है, उस सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल बनेंगे, ऊपर के सेल को बोलेंगे आउटर सेल, नीचे को बोलेंगे बेसल सेल। ठीक है, अब बेसल सेल जो है वो स्टॉक बनाएगा, एंथ्रेडिया का स्टॉक बनाएगा, ऊपर के सेल जो है उसमें कई डिवीजन होता है। ठीक है, डिवीजन होके पहले प्राइमरी एक्सियल सेल और बाकी आसपास के सेल को पेरिफेरल सेल बोलेंगे, तीन पेरिफेरल सेल बन गया, एक एक्सियल सेल और नीचे स्टॉक सेल। ठीक है, इसके बाद जो पेरिफेरल सेल होता है उससे बनता है कवर सेल, वो आर्किगोनियम के कवर को बनाएगा, और नीचे के सेल को बोलेंगे सेंट्रल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल फिर दो भागों में बढ़ जाता है तो उसके चारों ओर जैकेट बनता है और नीचे स्टॉक सेल। ठीक है, इस टाइप से इसमें बहुत सारा डिवीजन होगा, बहुत सारे डिवीजन बनने के बाद नेक कैनल सेल वेंटर कैनल सेल बनेंगे। ठीक है, और जो एग है वो वेंटर एंड एग, जो दो सेल है एक बनाएगा नेक कैनल सेल वेंटर सेल, और इसके वेंटर सेल जो है उसमें फिर डिवीजन होता है, वो क्या बनाएगा वेंटर कैनल सेल और एग, इस टाइप से ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ऊपर के भाग के जितने भी सेल होते हैं उसको बोला जाता है नेक, अंदर के सेल को हम बोलेंगे नेक कैनल सेल, इसको बोलेंगे वेंटर कैनल सेल और अंदर के भागों को बोलेंगे एग। ठीक है, ऐसे फ्लक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बनने के बाद लास्ट में इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, क्योंकि अंदर के जितने भी नेक कैनल सेल वेंटर कैनल सेल है वो पूरा खराब हो जाता है, खराब होकर इसके अंदर पूरे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस भर जाता है और बस एग ही रहता है। ठीक है, कवर सेल से ढका हुआ रहता है। ठीक है, बाद में क्या होता है, जो एंथ्रीजॉइड्स बना
जो एंथ्रीजोइड्स बना एक ओवर सेल भी खराब हो जाएगा और ये एंथ्रीजोइड्स इसके अंदर आके एक से फ्यूजन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता है, वाटर के प्रेजेंस में एंथ्रीजोइड्स एक के साथ फ्यूजन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। ठीक है, और जाइगोट जब तक डिप्लॉयड जाइगोट बना तब तक इस प्लांट्स को बोला जाता है गैमेटोफाइटिक प्लांट। थैलस जो बनता है थैलस से शुरू होके डिप्लॉयड जाइगोट बनने तक इसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइटिक प्लांट। जैसे डिप्लॉयड जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट होगा उसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया। ठीक है, स्पोरोफाइट बनना चालू हो जाता है। अब हम देखेंगे डिप्लॉयड जाइगोट का डेवलपमेंट। डिप्लॉयड जाइगोट बनना जैसे ही शुरू हो जाता है प्लांट्स का स्पोरोफाइटिक जनरेशन शुरू हो जाता है। बायोफाइट में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट एक के बाद एक होता रहता है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, फिर स्पोरोफाइट अंकुरण करके गैमेटोफाइट प्लांट बनाएगा, ऐसे चलता रहता है। इस टाइप की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो साइज में बड़ा होता जाता है। ठीक है, वो पूरे वेंटर को घेर लेते हैं। घेरने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर के जो सेल, इसके जो वेंटर सेल होता है, ऊपर का जो वेंटर सेल है उस वेंटर सेल में बहुत सारा डिवीजन होगा। ठीक है, वेंटर सेल में डिवीजन होके इसके चारों ओर बहुत सारे सेल से घिर जाएगा। ये जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है इसके चारों ओर बहुत सारे सेल डिवीजन होके इसको घेर देते हैं। ठीक है, घेरने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलेंगे कैलिप्ट्रा। चारों ओर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा कैसे बनता है, जो ऊपर के सेल जाइगोट के ऊपर के जो पेरेन्काइमाटस सेल्स होते हैं इसको हम बोलेंगे वेंटर सेल। ठीक है, इस वेंटर सेल डिवीजन करते रहते हैं और इसको जाइगोट को चारों ओर से घेर लेते हैं। ठीक है, घेरने के बाद क्या होता है, इस न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, दो सेल बनेगा, दो के बाद चार बनता है, चार के बाद इसके अंदर बहुत सारे पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा और बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और कैलिप्ट्रा जो है चारों ओर बाहर की जो सेल है इसको चारों ओर जैकेट सेल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, कई लेयर बनाते हैं, कई लेयर जैकेट बनाएगा। इसके बाद इसके अंदर की सेल्स फिर दो भागों में बढ़ जाएगा। ऊपर के सेल्स जो है जिसको बोलेंगे एम्फीथीसियम सेल और नीचे को बोलेंगे एंडोथीसियम। एम्फीथीसियम एंडोथीसियम, एम्फीथीसियम क्या करता है, इसके चारों ओर और जैकेट का सेल का लेयर बनाते हैं और एंडोथीसियम जो है वो बनाएगा स्पोर मदर सेल। उसमें डिवीजन होता जाएगा, बहुत सारे डिवीजन होता जाएगा, तो एंडोथीसियम डिवीजन करके बनाएगा स्पोर मदर सेल। फिर स्पोर मदर सेल में डिवीजन होता रहेगा, मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, उस मियोसिस डिवीजन से बनता है स्पोर। जैसे स्पोर है टेट्रा स्पोर, स्पोर बनाएगा और बहुत सारे सेल ऐसे बनाएगा जिसको हम बोलेंगे नार्स सेल। ठीक है, दो टाइप के सेल बनाते हैं, कुछ स्पोर बनाएगा स्पोर मदर सेल और कुछ बनाते हैं नार्स सेल। ठीक है, नार्स सेल क्या करता है, न्यूट्रिटिव, मतलब ये जो स्पोर का डेवलपमेंट होता है वो इसी सेल को न्यूट्रिशन की तरह लेते हैं और इसका डेवलपमेंट आगे का होता रहता है, मतलब इस सेल के लिए भोजन का काम करते हैं नार्स सेल। ठीक है, अब क्या और एक बार रिपीट कर देते हैं क्या, और पहले उसको बोल देते हैं। ठीक है, ये स्पोर टेट्रॉइड बनने के बाद ये स्पोर जो है बहुत सारे फट जाएगा और बहुत सारे स्पोर बनेंगे। ठीक है, स्पोर बनने के बाद इसके जो बाहर के कैलिप्टर रहता है वो कई सालों, एक साल तक रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कड़ा आवरण बन जाता है, इसको सड़ने में टाइम लगता है, वाटर की प्रेजेंस में धीरे धीरे एक साल तक सड़ता है और अंदर के स्पोर बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आने के बाद जो स्पोर रहता है वो तीन लेयर से ढका हुआ रहता है। बाहर के लेयर को बोलेंगे एक्सोस्पोरियम, बीच के लेयर को बोलेंगे मेसोस्पोरियम, अंदर के लेयर को बोलेंगे एंडोस्पोरियम। इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, स्पोर डिवीजन करेगा, डिवीजन करके इसके अंदर से ऐसे जर्म ट्यूब निकलेगा और जर्म ट्यूब निकलने के बाद इसके थैलस जो है दो भागों में बढ़ जाते हैं। नीचे का भाग जो है राइजोइड्स बनाएगा और ऊपर थैलस, पूरे गैमेटोफाइट थैलस बनाएगा। ठीक है, इस टाइप से स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन जाता है। चलो स्पोरोफाइट इस डिप्लॉयड जाइगोट के डेवलपमेंट को और एक बार बता देते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है एंथीजोइड्स एंड एग के फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट बना। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद साइज में बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद ऊपर के जो वेंटर सेल, ऊपर के जो सेल है उसको वेंटर सेल बोलेंगे, उसमें बहुत सारा डिवीजन होगा जिसको चारों ओर से जाइगोट को घेर लेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे कैलिप्ट्रा।
अब जाइगोट को घेरने के बाद इसके अंदर के न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, एक डिवीजन हुआ, दो सेल बना, फिर चार सेल बनता है, फिर बहुत सारे सेल बनेगा, बनने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाएगा। बाहर के सेल को हम क्या बोलेंगे, एम्पीथीसिया, अंदर के सेल को बोलेंगे एंडोथीसियम। ठीक है, एम्पीथीसियम से बाहर का जैकेट बन जाएगा एक, और एंडोथीसियम से अंदर के सेल बनेंगे। एंडोथीसियम सबसे पहले स्पोर मदर सेल बनाएगा, फिर स्पोर मदर सेल डिवीजन करता है मियोसिस, मियोसिस डिवीजन करके दो टाइप के स्पोर बनाएंगे, एक स्पोर टेट्रॉयड और एक नर्स सेल। नर्स सेल जो है इसके भोजन के रूप में यूज होगा और ये अच्छे से डेवलपमेंट करें, इसके लिए नर्स सेल का यूज होता है। ठीक है, इसके चारों ओर जो एक आवरण रहता है उसको बोलेंगे कैलिप्ट्रा। हो गया, अब क्या होता है, स्पोर जो है वो डिवीजन करके बहुत सारे स्पोर बनाए हैं और इसके चारों तरफ के कैलिप्ट्रा जो है बहुत मोटा होता है करके रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं कम से कम एक साल, एक साल लगता है इसको सड़ने में, फिर सड़ जाता है, अंदर के स्पोर बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद इस स्पोर में जर्म ट्यूब निकलेगा। स्पोर जो है तीन लेयर का होता है, एक्सोस्पोरियम, मेसोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, फिर स्पोर जो है इसके एक्सोस्पोरियम मेसोस्पोरियम भी फट जाएगा, फिर एंडोस्पोरियम से जर्म ट्यूब निकलेगा। ऐसे जर्म ट्यूब निकलने के बाद इसमें डिवीजन होता है और ऊपर थैलस बनेगा, नीचे राइजोइड्स। इस टाइप से गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन जाते हैं। कैसे, जिस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से हम शुरू किए थे ऐसे गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन जाता है। ठीक है, इस टाइप से स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है, जाइगोट का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट चलता रहता है, तो इसको बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब इस टाइप से रिक्सिया का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है।